ज्ञानवा भी मस्जिद केस में विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के बजू खाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिसर की एसआई जांच की मांग की है। इसे लेकर हिंदू पक्ष अब कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। हिंदू पक्ष आज जिला कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करेंगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी और एएसआई का सर्वे इस पूरे मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। हिंदू पक्ष का मानना है कि सभी लोग ये चाहते थे कि ज्ञान बापी का सच सामने आना चाहिए। हिंदू पक्ष के मुताबिक पूरा परिसर हिंदू मंदिर का है। सर्वे के दौरान गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले हैं और इसकी कार्बन डेटिंग जांच होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने इसके साथ तहखाने की भी कार्बन डेटिंग जांच की मांग की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने ज्ञान बापी को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। एएसआई जांच में उनके आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी। हिंदू पक्ष इसके लिए अयोध्या केस में एएसआई का सर्वे का तर्क दे रहे हैं। ज्ञान बापी में भी एएसआई के सर्वे से चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। ज्ञान बापी मामला बहुत संवेदनशील मामला है और इससे हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि इससे उठने वाले सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। तो बता दें कि ज्ञान बापी परिसर को लेकर इसमें आज जो याचिका दायर की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष इस पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराना चाह रहा है जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे ये पता चल जाए कि ये परिसर जो बनवाया गया है ज्ञान बापी परिसर, क्या इसको औरंगजेब ने तोड़वा कर बनवाया था या फिर जीर्णोद्धार करवाया था, ये तमाम चीजें इससे साफ हो जाएंगी। कार्बन डेटिंग से सामने आएगा सच, ये बड़ा सवाल है और आज होगा साबित शिवलिंग या फवारा। यानी कि अगर ये याचिका दायर हो जाती है और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी है, विवादित जमीन के नीचे छिपा है असली सच, क्योंकि यहां पर जब सर्वे हुआ था, जब इसकी वीडियोग्राफी हुई थी, तो तमाम चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आई थी। इसमें साफ तौर पर स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिल रहा था, दीवालों पर त्रिशूल देखने को मिल रहे थे और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था कि अंदर एक शिवलिंग नुमा एक आकृति की एक चीज देखने को मिली थी जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बोल रहा था जबकि मुस्लिम पक्ष जो है वो इसको फुहारा बोल रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट लगातार कार्रवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, अपने नए नए फैसले दे रहा है और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मांग की है कि पूरे परिसर की यानी कि एएसआई जांच हो। अब हम आपको यह भी बता दें कि कब क्या हुआ, कब से विवाद शुरू हुआ, यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। 1991 की बात करेंगे जब पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा की अनुमति मांगी गई थी और 1993 की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति रखने का फैसला दिया था। वहीं 2018 की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने तक बताई। वहीं 2019 की अगर बात की जाए तो वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। वहीं 2021 की बात की जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान बापी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मंजूरी दी। अप्रैल 2022 की बात की जाए तो ज्ञान बापी के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश मिला जिसमें यह साफ हुआ कि ज्ञान बापी परिसर के अंदर कथित तौर पर जिसको शिवलिंग बता रहे हैं हिंदू पक्ष, ये सामने निकल कर आया और उसके साथ जो दीवालें थी उसमें तमाम आकृतियां देखने को मिली जिसमें त्रिशूल देखने को मिल रहा था और स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिल रहा था। इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस परिसर में पहले से धार्मिक चीजें जो हैं, हिंदुओं की धार्मिक चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए मई 2022 की तो ज्ञान बापी में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया गया।